हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर की जनरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को कंप्यूटर जनरेशंस में डिवाइड किया गया है। देयर आर 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स मार्क फ्रॉम 1942 टू 1955। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स मेजर सर्किट एलिमेंट की जगह यूज होती थी, जो बल्ब जैसी होती हैं, जिसमें हीटिंग एलिमेंट होता है और फ्यूज बहुत फ्रीक्वेंटली हो जाती हैं। इसीलिए उन कंप्यूटर्स का साइज बहुत ज्यादा लार्ज था, वो नॉन पोर्टेबल थे और हीट बहुत प्रोड्यूस करते थे, और इसीलिए एसी की रिक्वायरमेंट होती थी। एक्सपेंसिव भी बहुत थे। इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड्स, पेपर टेप्स और मैग्नेटिक टेप यूज होते थे। स्पीड काफी स्लो थी इनकी और स्टोरेज कैपेसिटी काफी पुअर थी। इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम करते थे। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स इनमें यूज होते थे और ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी यूजर फ्रेंडली नहीं थे। एग्जाम्पल्स आर ENIAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 701 एटसेट्रा। नेक्स्ट आर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। ये 1955 से 1964 तक थे। इनमें ट्रांजिस्टर्स यूज होते थे। ट्रांजिस्टर्स का साइज वैक्यूम ट्यूब से काफी छोटा था और ये वैक्यूम ट्यूब्स के कंपैरिजन में बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते थे और बहुत फास्ट थे। प्राइमरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर्स यूज किए जाते थे और सेकेंडरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड्स, मैग्नेटिक टेप्स, वीडियो और प्रिंटर यूज होते थे। फर्स्ट जनरेशन की कंपैरिजन में ये काफी फास्ट, स्मॉलर, रिलायबल और एनर्जी एफिशिएंट थे और कॉस्टली भी कम थे। इस समय में असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक फोर्ट्रान और कोबोल डेवलप हो गई थी। ऑपरेटिंग सिस्टम्स बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करते थे। एग्जाम्पल्स आर IBM 1620, CDC 1604 एंड UNIVAC 1108 एटसेट्रा। नेक्स्ट आर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। ये 1964 से 1975 तक थे। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज होते थे, जो काफी सारे ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स को एक ही चिप पे अकोमोडेट कर लेते थे, जिसकी वजह से साइज काफी रिड्यूस हो गया था कंप्यूटर्स का। मेमोरी के लिए मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज यूज किया जाता था और इनपुट आउटपुट के लिए कीबोर्ड और मॉनिटर्स यूज किए जा रहे थे। ये पहले वाली जनरेशन के कंपैरिजन में बहुत फास्ट, स्मॉल, रिलायबल और चीप थे। हाई लेवल लैंग्वेजेस कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रान, 2-4 ये सब यूज होती थी और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते थे। एग्जाम्पल्स आर IBM 360, 370, CDC 6600, PDP 8x11 एटसेट्रा। नेक्स्ट केम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स फ्रॉम 1975 टू 1989। इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स का डेवलपमेंट हुआ। ये सिलिकन चिप्स होती हैं विद वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स को एक चिप के ऊपर एकोमोडेट करती हैं, जिससे कंप्यूटर का साइज काफी कॉम्पैक्ट और स्पीड बहुत फास्ट हो गई। सेमीकंडक्टर मेमोरीज यूज होने लग गई और मैग्नेटिक टेप्स एंड फ्लॉपीज यूज होती थी। इनपुट आउटपुट के लिए एडवांस्ड डिवाइसेस आ गई, जैसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इनके लिए कोई एक्सटर्नल कूलिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं थी और ये अफोर्डेबल थे। मल्टी प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स डेवलप हो गए थे। सी और C++ जैसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल लैंग्वेजेस को भी ये कंप्यूटर सपोर्ट करते थे। नेटवर्क्स और इंटरनेट का डेवलपमेंट भी इसी समय में हुआ था। लैन और वैन बहुत पॉपुलर हो गए थे इस टाइम में। सॉफ्टवेयर में भी काफी डेवलपमेंट हुई थी इस टाइम पे। MS-DOS और विंडोज डेवलप हो गए थे, जिनका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था। एग्जाम्पल्स आर Apple 2, DEC 10 और Cray 1 एटसेट्रा। और अब 1989 से वी आर इन फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स यूज होती हैं। मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी अनलिमिटेड हो गई है विद रेड सपोर्ट। इनपुट आउटपुट के लिए टच और वॉइस सेंसिटिव इनपुट डिवाइसेस डेवलप हो गई हैं, जैसे हम आजकल मोबाइल में वॉइस रिकॉग्निशन की फैसिलिटी यूज करते हैं। ये बहुत पावरफुल, रिलायबल और इजी टू यूज है, पोर्टेबल है, फास्टर है, क्योंकि पैरेलल प्रोसेसर्स और सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स इसमें यूज होते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो गया है। नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। जैसे वीडियो शूटिंग के लिए ड्रोन्स यूज हो रहे हैं, इंटरनेट सर्वर्स बहुत पावरफुल हैं, क्लस्टर कंप्यूटिंग यूज होती है। एग्जांपल्स हैं IBM, Pentium, Parm एटसेट्रा। थैंक यू।